नमस्कार दोस्तों, अभी तक मुझसे जो सवाल पूछे गए हैं वो उनमें से सबसे अधिक बार जो सवाल पूछा गया है वो आपकी स्क्रीन पे है। हाउ टू प्रिपेयर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन ऑफ ग्रुप बी। ठीक है, इसके अलावा WLI के भी क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से उस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इन दोनों में समानता काफ़ी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ग्रुप बी में जो एग्जामिनेशन होते हैं उनका सिलेबस थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का यानी कि सहायक कार्मिक अधिकारी का जो प्रश्न पत्र होते हैं उस तरह के प्रश्न जो APO AOM AME ADE ADST के एग्जाम होते हैं उसमें पूछे ही जाते हैं। ये कॉमन एग्जामिनेशन एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के होते हैं। तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो APO को एक ही बार में कैसे क्लियर कर लिया जाए इसके बारे में बात करेंगे, और इस सेशन में जो डिस्कशन किया जाएगा इसे तीन पार्ट में हम देखेंगे। एग्जामिनेशन और उसका पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ टेक्निक्स हैं उन पे बात करेंगे, और जो फोकस किए जाने वाले टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बात करनी चाहिए वो हैं। तो आपकी स्क्रीन पे है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जो दो तरह से एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, एक 70% सिलेक्शन कोटा होता है और दूसरा होता है 30% LEC कोटा। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काम करेंगे वो नोटिफिकेशन को देखेंगे, और नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया होते हैं उसको जांच करेंगे कि हम उसके लिए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये सिलेक्शन फॉर प्रमोशन और टू असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर इन पर्सनल डिपार्टमेंट अगेंस्ट 70% वैकेंसीज होते हैं उनका एक नोटिफिकेशन है जो साउथर्न रेलवे का है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का है, सॉरी साउथ ईस्टर्न रेलवे का है, जिसका हम नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये 70% कोटा के लिए जो कॉल किए जाते हैं, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन दी जाती है वो ये है। ठीक है, तो इन्होंने असेसमेंट पीरियड बताया है कि 1/1/2021 से लेके 30/6/2023 तक के असेसमेंट लिए गए हैं, जिसके अंदर जो वैकेंसीज हैं वो चार हैं, तीन UR के हैं और एक SC कोटा का। अब कंडीशन जो है वो ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए है, और जो लेवल 6 पे काम करते हैं यानी कि उनका ग्रेड पे जो होगा 42,000 रुपीज़ होंगे, सॉरी एंड एबोव द मैट्रिक्स ऑफ, उनमें जो 3 ईयर्स का जो है वो नॉन 40 ईयर्स सर्विस होनी चाहिए लेवल 6 पे और इससे ऊपर। ठीक है, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के लिए जो RB नंबर है वो 216/2019 है। देखिए इसमें कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट, यानी कि अगर ग्रुप सी का स्टाफ जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है जो पर्सनल डिपार्टमेंट का यानी कि OS चीफ OS जो है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर 152-153 लोग हैं अगर एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट में, तो मेरे ख्याल से 30% के करीब यानी कि 30-35 लोग के करीब एलिजिबल होंगे। ठीक है, 1/3 मान सकते हैं, तो 50 से ज़्यादा नहीं जाएगा ये। दूसरा है ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल स्टाफ वर्किंग कैडर पोस्ट इन एनी अदर डिपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग हिंदी ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, एक्सक्लूडिंग, यहाँ पॉइंट एक्सक्लूडिंग है क्योंकि उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन कैश और पे टाइम ऑफिस हु हैव नो एवन्यू ऑफ प्रमोशन इन ग्रुप बी इन देयर ओन डिपार्टमेंट। ठीक है, कैश ऑफिस में काम करने वाला जो पे कैश एंड पे ऑफिस में जो काम करते हैं या टाइम ऑफिस में जो काम करते हैं उनको इस तरह का अगर उनके पास प्रमोशन के चांसेस नहीं है तो उनको शामिल किया जाता है। तीसरा है ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ स्टोर ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट स्टैटिकल एंड कॉम्पलेशन ब्रांच। ठीक है, कॉम्पलेशन ब्रांच चीफ लो असिस्टेंट स्टोग्राफर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, लेकिन एक्सक्लूडिंग है यहाँ पे भी अकाउंट डिपार्टमेंट की जो है ना उनको नहीं किया जाता है क्योंकि उनको AFM वगैरह बनने का चांस मिल सकता है। ठीक है, हु हैव
एन एवन्यू ऑफ प्रमोशन टू ग्रुप बी इन देयर ओन डिपार्टमेंट बट नो बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन बीइंग गिवन टू देम हैव इलेक्टेड टू बी कंसीडर फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ एपीओ। तो इन सभी को चांस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, ध्यान से देखें तो इसमें दिया गया है कि एजिलिटी ऑफ स्टाफ वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफिसेस अदर एक्सकेटर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स विल बी डिटरमाइंड विथ रिफरेंस टू दियर सब्सटेंटिव पोस्ट इन द पेरेंट डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द अदर कंडीशन लेड डाउन। ओके, तो ये कंडीशन है। फिर स्पेशल प्रोविजन भी है, उसका भी जिक्र यहाँ किया गया है। फिर बताया गया है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल और ऑफिस लैंग्वेज पॉलिसी के अंतर्गत 70 नंबर के क्वेश्चन होंगे और एस्टेब्लिश एंड फाइनेंशियल रूल्स के 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जिनमें से 10 नंबर का जो है ये ऑप्शनल नेचर का पेपर होगा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी जो है हमारी उसके अंदर। पर मैं आपको यहाँ एडवाइस ये करूँगा कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपको 300-350 क्वेश्चन में आप 10 नंबर के क्वेश्चन को शूट आउट कर सकते हैं, यानी कि आप उसको अच्छी तरह से हैंडल करके 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, इसके लिए क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो 60 out of 100 है। इसका मतलब है कि इसके बाद जो पोजीशन होगी वो आपकी सीनियरिटी बेस्ड होगी। तो मेरा एडवाइस उन सभी नौकरों के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें और इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दें, यानी कि 80% प्लस मार्क्स दें, तो फिर आप उससे बाहर हो जाते हैं जो सीनियरिटी बेस्ड जो सिलेक्शन होती है, क्योंकि आउट ऑफ स्टैंडिंग होने के बाद आप सबसे ऊपर हो जाते हैं। दूसरा एडवाइस ये है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आप अच्छे से मन लगा काम करें और वहाँ आउटस्टैंडिंग APR लेने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जनरली मिलता नहीं है, पर जो अगर उनके सीनियर मुझे सुन रहे हैं और ये जान रहे हैं कि अगर वो बंदा क्वालिफाई करने की काबिलियत रखता है और उसको दिया जाना चाहिए, तो मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि जब भी APR का असेसमेंट आप करें तो उस बंदे को नज़र में रखते हुए आउटस्टैंडिंग देने का प्रयास करें, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्वालिफाई तो करेंगे, फिर वाइवा भी लेना है, तो वाइवा के लिए 6 टाइम जो है बुलाए जाएंगे। अगर एक सीट है तो 6 लोगों को वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, APR वगैरह जो है, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जो है, उसके लिए यहाँ मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि वाइवा के लिए 25 नंबर है, ठीक है, तो और 25 नंबर का APR है या सर्विस रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जिसे बोल सकते हैं वो है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब सवाल नहीं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस सिलेबस को जो 133/2014 है वहाँ से आप प्रिंट कर लें। ये आपके लिए बाइबल या फिर जिसे भी आप जिस धर्म को मानते हैं, रामायण, गीता, महाभारत, जिसे भी मानते हैं आप, कुरान, उसके हिसाब से इसको आप पूजा कीजिए, उसे समझिए। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि उसको रख दें और अगरबत्ती वगैरह दिखाएं। पूजा करने का मतलब कि यही आपके लिए वो गोल्डन वर्ड्स हैं जिस रास्ते पे चलते हुए आपको मोक्ष की प्राप्ति यानी कि APU बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। प्री सिलेक्शन वाला भी एक कॉलम है जो ST कम्युनिटी और ST के लिए होता है, 142/2019 का आर्मी नंबर है। पर हमारा जो फोकस है उस पर हम फिर से वापस आते हैं कि सिलेबस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसे ध्यान से देखते हुए चलते हैं। ये परफॉर्मा ये आ गया है, कहीं कहीं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसे यहीं रोकते हैं और फिर हम दूसरे पार्ट हम आ गए हैं। ये आप देख रहे हैं
ये ग्रुप बी सिलेक्शन के लिए जो 30% जो कोटा है उसके तहत जो एग्जामिनेशन होंगे पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए, उसके तहत जो एलिजिबिलिटी और वैकेंसी पोजीशन है ये हम लेंगे। ये हमने लिया है चर्चगेट वेस्टर्न रेलवे का, ठीक है, ये हमने वेस्टर्न रेलवे का लिया है। अभी हमने साउथ ईस्टर्न रेलवे का लिया था, अभी हम वेस्टर्न रेलवे का डिस्कशन करेंगे। ये देखिए ये जो वैकेंसीज हैं ये सामने हैं आपके लिए, एसटीएससी नील हैं और जनरल के 3 सीट हैं। यहाँ पे एम्प्लाई को जो है वो 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, नॉन 40 ईयर्स जो सर्विस होती है, रेगुलर सर्विस होती है उसके लिए। और ये जो कंडीशन है ये बैकलॉग वाला है, ठीक है, ये जो है 19 के लिए एलिजिबिलिटी जो बैंड है उसके हिसाब से। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि 42 पे ग्रेड में होना चाहिए उनको कम से कम 5 साल, ठीक है, तो ये कैटेगरी है। दूसरा जो यहाँ उन्होंने रखा हुआ है, कहाँ गया, द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टाफ हु सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी मेंशन अबव एंड आर डिजायरस ऑफ अपियरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ग्रुप बी शुड सबमिट देयर अप्लीकेशन थ्रू देयर डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिव यूनिट ऑफिसर्स। इसमें कौन कौन से होंगे, तो ऑल स्टाफ ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, ओ एस सी पी एस जो होंगे, सी ए होंगे वो भी इसके अंदर आएंगे। दूसरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट एक्सेप्ट द अकाउंट एंड हिंदी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अकाउंट और हिंदी, क्योंकि वहाँ पे इनको हिंदी ऑफिसर राजभाषा अधिकारी बनने का चांस मिलता है और यहाँ पे उनको AIFM वगैरह बनने का चांस मिलता है। जो कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट हैं सभी डिपार्टमेंट के, वो सभी लोग कर सकते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट को छोड़ के। दूसरा लो असिस्टेंट, चीफ लो असिस्टेंट एंड द मिनिस्ट्री स्टाफ ऑफ ट्रैफिक कमर्शियल एंड स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है, एस्टेटिकल्स, कॉम्पिलेशन ब्रांच, ठीक है, कैश ऑफिस एंड पे ऑफिस जो स्टाफ है वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे एक और है कि इन टर्म ऑफ एडवांस करेक्शन स्लिप जो दिए गए हैं उसके हिसाब से भी एक कंडीशन बनता है कि जूनियर जो सर्विस की है वो आप देखें, यहाँ ध्यान से पढ़ें, आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा है। इन टर्म ऑफ एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 28 द प्रोविजंस ऑफ पैरा 203.2 ऑफ IRM वॉल्यूम 1 1989 एडिशन इज नॉट अप्लीकेबल टू ग्रुप बी सिलेक्शन थ्रो 30% LDC IG इवन इफ जूनियर हैज कंप्लीटेड द रिक्विजिट ईयर ऑफ सर्विस एंड सीनियर हैज नॉट कंप्लीटेड द रिक्विजिट ईयर ऑफ सर्विस द सीनियर विल नॉट बी एलिजिबल टू अपियर द LDC एग्जामिनेशन। तो एक कंडीशन उन्होंने दिया हुआ है जिसका जिक्र किया है, ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ स्टाफ वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफिसेस अदर एक्सकेडर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स विल बी डिटरमाइंड विथ रिफरेंस टू देयर पोजिशन इन द पेरेंट डिपार्टमेंट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द अदर कंडीशन लेट डाउन। कंडीशन वही है, केवल यहाँ पे अंतर वही है कि 70% के लिए जो है वो 3 ईयर्स चाहिए, ठीक है, और 30% के लिए LDC कोटा के लिए 5 ईयर्स चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है, बाकी सेम ही है। तो हमने सिलेबस को देखा, यहाँ पे एक और बात देख लेते हैं, यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स और उसके बारे में जिक्र किया गया है उसे देख लेना उचित रहेगा। ये 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे, क्वेश्चन नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। वेस्टर्न रेलवे जनरली 55 क्वेश्चन देते हैं जिसमें से 59 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, 100 नंबर्स के मार्क्स के होते हैं।
बाकी दूसरे साउथ रेलवे और दूसरे रेलवे में 110 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 100 नंबर के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे जो तो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 60 था, यहाँ पे जो है वो 75 पर है। 75 मार्क्स प्री क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्योंकि इसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें वो बनेगा, और उसके बाद उनके वाइवा वगैरह लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी था 1/3 का, ठीक है, अलॉट की जाएंगे। यानी कि तीन क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो एक सही क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो मार्क्स होंगे वो काट लिए जाएंगे, यानी कि माइनस कर लिए जाएंगे। अब सिलेबस और प्रोफेशनल ऑफ एलडीसी एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ बात किया गया है। पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। वो मेन एग्जामिनेशन जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे है, ठीक है, इसमें भी 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 60 नंबर लाने हैं। ये सिलेबस नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ये सर्विस रिकॉर्ड और वाइवा के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे हैं। वहाँ उसमें से जो 50 नंबर है उसमें से 30 नंबर की जरूरत पड़ेगी उनको, 15 नंबर सर्विस रिकॉर्ड के होना जरूरी है, जिसका जिक्र मैंने किया था। ठीक है, वो वाइवा और टेस्ट जो है वो हिंदी या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं। 5 साल के सर्विस रिपोर्ट यानी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, APR आप जिसे बोलते हैं, वो होना जरूरी है। ठीक है, ये डिटेल्स है प्रोग्राम जिसके हिसाब से एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। ये 1 महीने की देरी से कंडक्ट की गई थी। यहाँ बोला गया है नो सप्लीमेंट्री एग्जाम इज परमिशेबल फॉर द अब्सेंटी, जैसे कि 70% में जनरली लिए जाते हैं, यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने पहले ही इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म है। यहाँ पे एक और अच्छा पार्ट है, ये पार्ट जो है सबसे अच्छा है, ये है आपका, ध्यान से आप देखिए, ये है RB 133/2014। ये पूरे जो ये RB जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कैसे कि ये सिलेबस को जस्टिफाई करता है, सिलेबस को बताता है और समझाता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए हम सिलेबस पे चलते हैं। ये जो है वो 30% का सिलेबस है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको जो टेलीग्राम चैनल है railwayexam.in, वहाँ पे भी मिल जाएगा, ये पोस्ट किया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ जाएं और ज्वाइन करें और वो कर सकते हैं आप। ठीक है, ये टेक्निकल पार्ट है आपको, जैसे कि मैंने बताया ये कुछ 13-14 पेज का है, जिसे आपको डाउनलोड करना चाहिए। आपका अपने मोबाइल में रख सकते हैं, लैपटॉप में रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो देखिए पेपर 2 है यहाँ पे, जिसके बारे में बात कर रहा था, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट वगैरह हैं। और ये देखिए एक टॉपिक है जिसका मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है, कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक RB नंबर है जिसका जिक्र मैं आगे करूँगा, तो वो है कैट जो है, एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे समाप्त होता है। तो हमारा 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट समाप्त हो गया है, पार्ट नंबर 2 पे चलेंगे। ये देखिए
असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर इज द ड्रीम ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ इंडियन रेलवे। एक इम्पोर्टेंट है, ग्रुप सी से ग्रुप में ग्रुप ई यानी कि गजेटेड पोस्ट को हासिल करना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, तो इसका जिक्र किया जाना चाहिए, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है। अभी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जांच कर लिया है और दोनों तरह के एग्जामिनेशन के बारे में। अब सबसे पहला सवाल ये है कि APU एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ APU एग्जामिनेशन। तो हर एग्जामिनेशन की जो डिमांड है वही यहाँ भी है, और डिमांड ऑफ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है जो 70% का है वो है नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्यूरेसी एंड प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ब्लॉग पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ जाके ढूंढें, प्रैक्टिस करें। एकक को इस तरह की चीज़ें शेयर करना मुश्किल है, तो उस बात को समझें। एग्जामिनेशन का पैटर्न और स्टेज क्या है, तो पैटर्न तो हमने देख लिया, स्टेज जो है वो 2 और 3 स्टेज में है। 70% सिलेक्शन में 2 स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज में आप एग्जामिनेशन देंगे, दूसरे स्टेज में आप वाइवा देंगे, ठीक है। यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कौन से एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक। 30% जो है वो 3 स्टेज पे है, फर्स्ट जो प्री क्वालिफाइंग है, सेकेंड मेन्स एग्जामिनेशन एंड थर्ड इज वाइवा, ठीक है। जो सवाल पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं मुझसे वो है, क्या सेल्फ स्टडी से एग्जाम पास किया जाता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन एक मेंटोर हो तो आपकी तैयारी का लेवल अलग हो सकता है, आपकी जर्नी को आसान बना सकता है वो मेंटोर, ठीक है। ए मेंटोर इज ए पर्सन, ए मेंटोर इज ए पर्सन हुज एक्सपीरियंस कैन बिकम योर प्रोविजन, ठीक है। विजन सभी के पास होता है, लेकिन वो आपको एक प्रोविजन देगा कि आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। ए गुड मेंटर विल गाइड एंड गिव ए डायरेक्शन, ठीक है, वो आपको बताएगा कि किस डायरेक्शन से और कैसे तैयारी करना चाहिए। वेयर एज ए बैड मेंटर विल मिसगाइड यू, तो ये वाला जो पोर्शन है जो मिसगाइड यू है, इसे हमें मिसगाइड नहीं होना है, हमें गुड डायरेक्शन एंड जो राइट डायरेक्शन है उसमें जाना है। तो क्या राइट डायरेक्शन है? हार्ड वर्क इज द राइट डायरेक्शन है, करना चाहिए सभी को हार्ड वर्क, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे दूसरा सवाल आता है, हाउ टू एनालाइज एग्जामिनर माइंड, कैसे एग्जामिनर माइंड को एग्जामिन कर सकते हैं कि भाई वो क्या सोचता है और कैसे किस तरह के एग्जामिनेशन देगा, एग्जामिनेशन पेपर लेगा। तो वो है कि लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको बार बार सॉल्व करना, उसके टॉपिक को एनालाइज करना, उससे निकालना कि ये इस टॉपिक को टच कर रहा है तो हम उस टॉपिक पर फोकस करें। दूसरा है खुद का सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे बेहतर तरीका है मॉक टेस्ट है, ठीक है। आप चाहें तो 2-4 पेपर मुझसे ले सकते हैं जो मेरे खुद के बनाए हैं, चलिए 5 पेपर कंफर्म करता हूँ, उसके लिए कुछ आप डोनेशन देके इसे ले सकते हैं, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। परीक्षा को अच्छी तरह से जानने, किसी भी परीक्षा को तैयारी करने से पहले परीक्षा की बारीकियों को अच्छी तरह से जान लेना जरूरी है। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, एज यू गो थ्रू द सिलेबस मेक क्विक नोट्स, जैसे ही आप सिलेबस को जांच करते हैं उसमें जो टॉपिक्स हैं उसको अपने विजन के हिसाब से देखें, उसे एनलार्ज करें आप अपने, जैसे एक छोटा सा टॉपिक है DR, लेकिन उसके अंदर काफ़ी बड़ा पोर्शन है जो 35-40 पेज का आप देख सकते हैं, किसी किसी का जो टॉपिक इसी पे टॉपिक पे जो नोट्स हैं वो करीब करीब 50 पेज का है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस विल हेल्प यू इन रिविजन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन कंसर्न टॉपिक, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक के व्यू को समझने में मदद करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी आपको जब जितनी बार आप सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है कि सिलेबस ही आपके लिए
सिलेबस, और एक एक और बात, सिलेबस और इसके साथ ही आईआरएम के वॉल्यूम होते हैं या फिर आईआरएसी के जो वॉल्यूम होते हैं 1-2, वो भी आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आरबी नंबर्स जो होते हैं, जो लेटर्स रिले बोर्ड निकालती है, वो उससे आपको अपडेट करना ही आपके लिए कुरान, गीता, बाइबल, जो भी जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनके जो जिसकी पूजा आप करते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हमारा धर्म एग्जाम देना है तो परीक्षा के हिसाब से जो बुक्स इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे। परीक्षा की पात्रता से खुद को परिचित कराने के लिए एपीओ का नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जो हमने अभी कर लिया। ठीक है, ये हमने जांच कर लिया। चलिए, जब आप इसे समझ लेते हैं तो पिछले वर्षों में आयोजित परीक्षा का प्रश्न को उठाएं और परीक्षा में वास्तविक वास्तव में पूछा क्या जा रहा है इसकी अंडरस्टैंडिंग को विकसित करें। यही मैं बोल रहा था कि जब आप मॉक टेस्ट या उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आपके जोन या जहां भी आप हैं वहां पूछा जा रहा है, उससे आपको खुद को काफी प्यार से हैंडल करना है कि ये क्या पूछा जा रहा है और मुझे क्या मनन करना चाहिए। खुद से अकेले बैठ जाए, जांच करें। दूसरा, परीक्षा का पैटर्न से खुद को परिचित कराने के लिए पिछले आए हुए प्रश्न पत्रों से दोस्ती करें और टॉपिक डिसाइड करें। मैं यही बोल रहा हूँ, खुद से अलग से एकांत में बैठे और समझे कि ये क्या चीज है और कैसे हम ये कर सकते हैं। दूसरा, आगे देखते हैं, अपने नॉलेज यानी कि नॉलेज का जो नींव है, जो फाउंडेशन है, उसको कैसे मजबूत करें, ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है आपका, ये सवाल है। तो सवाल का जवाब यह है कि आप आईआरएम और आईआरईसी यानी कि इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल और इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड को पढ़ सकते हैं। आरबी लेटर्स से अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। साथ ही कुछ किताबें भी उपलब्ध हैं जिससे आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जो बुक है वो है रेलवे स्थापना नियमों एवं श्रम कानूनों का सरल अध्ययन। ये लेटेस्ट बुक है। बहुविकल्पी प्रश्नों तथा उनके उत्तर सहित है। ये हेल्प बुक है, आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लेखक हैं एनबी भट्टाचार्य और गोविंद लाल। ठीक है, ये 800 रुपये की बुक है। दूसरी बुक जो मार्केट में अवेलेबल है वो ये है, बाहरी ब्रदर्स की, रेलवे सेवा नियम, रेलवे सेवा नियम एवं श्रम कानून संहिता। ठीक है, ये लेटेस्ट अभी सातवें वेतन के साथ है, अवेलेबल है। 2017 का एडिशन शायद, या उसके बाद का मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आया है तो आप इसे खरीद सकते हैं। इन दो बुकों में सबसे लेटेस्ट ये है। इस बुक का अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि ये और बुक अच्छी हो सकती थी, अच्छी है, ये कहना गलत होगा कि अच्छी नहीं है। जिनके पास जो स्टैंडर्ड हैं उनको एनहांस करने के लिए ये, अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो इस बुक का अध्ययन करने के बाद, मेरा ऐसा मानना है, इन दोनों बुकों का अध्ययन करने के बाद आप अपने लेवल से 50% एवो चले जाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारे चैनल को आप देख ही रहे हैं, तो कुछ किताबें हैं जिससे आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जो हमने डिस्कस कर लिया। अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं, जो समय समय पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं और अपने नॉलेज लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे खास बात मॉक टेस्ट बेस्ड लर्निंग है, उसको ध्यान में रखना है आपको। जितना आप मॉक टेस्ट देते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन हो, आप डब्ल्यू एल ए का एग्जाम ले लें, सीनियर क्लर्क का ले लें, जूनियर क्लर्क, क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो उसका डीएनए सिलेबस ही है, और सिलेबस से जो सवाल पूछ जाएंगे उसका कुछ भी हो सकता है। जैसे आप हर एग्जाम के लिए एक ही सवाल हो सकते हैं कि भाई डीआरएम को कौन सा मेटल पास मिलता है, तो जाहिर सी सिल्वर मिलता है, तो वो जूनियर क्लर्क के लिए पूछा जा सकते हैं, सीनियर क्लर्क के लिए पूछा जा सकते हैं, डब्ल्यू एल ए के लिए पूछा जा सकते हैं, गुड्स गार्ड के लिए भी पूछे जा सकते हैं, एओम में भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई मैटर ही नहीं है।
तो जो पास है ऑफिसर को कितने दिए जाते हैं, तो ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जितना मॉक टेस्ट दे वो आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, जब यानी कि जब आरवी नंबर 196 बाय 2018 जारी किया गया था, से रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हुए हैं, और मॉक टेस्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच का महत्वपूर्ण महत्व जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको एक परीक्षा के तनाव का एक्सपीरियंस देता है, और यदि आप इसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो वास्तविक परीक्षा के समय तनाव कम होगा। सही बात है। ठीक है, मॉक टेस्ट से कमजोर टॉपिक की जांच कर सकते हैं और कुछ चीजों को डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट ही है कि भाई डीआरएम को जो पास मिलता है वो सिल्वर ही मिलता है। ठीक है, सीआरबी और जो जीएम वगैरह होते हैं उनको गोल्डन पास ही मिलता है। तो इसी तरह और भी सारे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस मतलब समझने की आवश्यकता नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा। तो वो कहना चाहता हूँ, मॉक टेस्ट न केवल आपके वास्तविक परीक्षा के दौरान चिंता प्रबंधन में मदद करेगा, बल्कि आपको परीक्षा के लिए बहुत हद तक यानी कि अच्छी तैयारी करने के लिए भी आपको तैयार कर देगा। ठीक है, जो हैंडल करते हैं इस तरह के एग्जामिनेशन में, जो आपका बीपी हाई हो सकता है वो आपको कर सकता है। ठीक है, एक मार्गदर्शक हमेशा आपकी यात्रा को आसान बनाता है। ठीक है, तो ये एक चाइनीज कहावत है कि भाई घोड़े को पकड़ के आप उसको पानी तक ला सकते हैं, पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते हैं, पानी पीना उसकी मर्जी ही है। ठीक है, तो मेरा काम था कि घोड़े को पानी तक लाना, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। आपने बहुत पेशेंस के साथ सुना है मुझे। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकेंड पार्ट की तरफ से चल रहे हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं। उसी के अंदर ये है कि यदि ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन है तो उसमें हमेशा ट्रू के साथ आप जाएं, अगर आपको पता नहीं है तो। इससे जो 80 और 20 का जो रेशियो है उससे कवर होता है कि जो ट्रू वाले क्वेश्चन होते हैं वो सही होते हैं, या ऑल ऑफ जो होते हैं, ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ एबव, ठीक है, या नन ऑफ, तो ये क्वेश्चन 60 जो 70% जो है वो सही होते हैं। तो आप जब भी ये वर्ड को देखें, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं और चौथे पे ये दिया हुआ है, तो आप इनके साथ जाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुपरियर पोस्ट के बारे में, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप जब भी ऑल ऑफ देम के साथ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है यार। ठीक है, चलिए, लॉन्गेस्ट आंसर ज्यादा सही होते हैं। एक रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि लॉन्गेस्ट जो आंसर होते हैं ना वो ज्यादातर सही होते हैं। ठीक है, अब एक और ऑप्शन आपको ये देता हूँ आपको कि कैसे आपको हैंडल करना चाहिए। करेक्ट आंसर जो होते हैं यूजली सेकेंड और थर्ड ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए है और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो डी है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आप रिस्क ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं वो यहाँ पे समझाएंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 का बी और सी में से कोई एक ऑप्शन आप ले सकते हैं, इसके चार जो राइट होने के चांसेस हैं वो 50% ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप सिक्योर जोन में हैं जहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन का रिस्क ना लें। अगर नहीं कर सकते हैं और आप 10-12 क्वेश्चन में रिस्क लेना चाहते हैं तो इस तरह का आप टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ों पे जोर देना चाहता हूँ, जैसे एम्फेसाइज हाई लेवल थिंकिंग, यूज मेमोरी प्लस एप्लीकेशन क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन रिक्वायर स्टूडेंट टू रिकॉल प्रिंसिपल रूल्स फैक्ट्स इन द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, जैसे अगर किसी को 48 घंटे के लिए अगर पुलिस कस्टडी में चला जाता है तो ऐसे ही क्या बोलते हैं सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह की चीजें आप कर सकते हैं जैसे ये डीआर के अंदर है। ठीक है, मेट्रोन जैसे है, मेट्रोन दो जो है वो एक्सक्लूडेड में आती है क्योंकि उनका जो जॉब का नेचर है वो अलग है।
कंडक्ट रूल जो है उसको आप देख सकते हैं कि दहेज या डाउरी सिस्टम या गिफ्ट जो है वो 13 और 13A में है। तो ये लाइफ जो रियल लाइफ जो फैक्ट्स हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इनको देखते हैं। द की टू प्रिपेयरिंग मेमोरी प्लस एप्लीकेशन क्वेश्चन इज टू प्लेस द कॉन्सेप्ट इन अ लाइफ सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट दैट रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू फर्स्ट रिकॉल द फैक्ट एंड देन अप्लाई द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस इन द सिचुएशन। ये मतलब आप तैयारी जब कर रहे हैं ना उस दौरान की बात है कि उसको आप अपने लिए रेडी कर सकते हैं कि कोई जैसे अगर गुमशुदा हो जाता है तो उसके जो क्वार्टर्स हैं उनको आप कितने समय तक के लिए दे सकते हैं। तो ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है कि अगर किसी का हो जाता है तो फिर वो 24 महीने तक के लिए दिए जा सकते हैं। जो पेंशन है वो FIR दर्ज होने के 6 महीने तक दिया जा सकते हैं। तो आप उनको देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये रेलवे सर्वेंट सेल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड। तो 48 आवर्स के लिए अगर किसी को पुलिस कस्टडी में जाएंगे तो फिर वो डीम्ड सस्पेंशन के अंदर आ जाएगा अपने आप ही। इसके अंदर मैंने कई वीडियोज में बताया, समझाया आपको कैसे वो जा सकता है। इसमें ऑफिसर भी कुछ नहीं कर सकते हैं अगर उनका फेवरेट स्टाफ है, जैसे वो बहुत काम करता है, किसी भी तरह से फेवरेट हो सकता है, तो भी वो नहीं कर सकते क्योंकि अगर उसने 48 आवर्स पुलिस कस्टडी के अंदर गया तो वो डीम्ड सस्पेंशन के अंदर उनको डालना ही होगा। देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है। दूसरा जो मैं टेक्निक बताता हूँ अपने वीडियोस के अंदर उसके बारे में देखते हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस इशूड टू रिटायर्ड ग्रुप डी एम्प्लॉय। तो यहाँ पे अगर 2 शेड देते हैं तो इसके साथ ही मैं एक और ऑप्शन देता हूँ लाइफ से कनेक्ट करने के लिए कि ये अगर 135/2018 को आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे कंप्लीट होंगे? ग्रुप बी का हो जाएगा आपका, कि ग्रुप ए का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री पासेस एंड ग्रुप ए बी एंड सी का हो जाएगा। इसके साथ ही जो पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस होते हैं उसको भी इसके अंदर कवर किया जा सकता है। मुझे ध्यान नहीं कि उसके अंदर किया गया है कि नहीं, लेकिन इसके अंदर होगा, ठीक है। ये पास से रिलेटेड जो आरवी नंबर्स है तो इस तरह है। फिर यहाँ पे है कुछ चीज़ें डायरेक्टली आपको याद करना होगा, फिर उसको नहीं कुछ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक है, आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस्ड अंडर द हेडिंग ऑफ राइट टू इक्वलिटी ए पार्ट ऑफ विच इंडिकेट्स द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस। तो ये आर्टिकल 16(4) में है, तो ये डायरेक्ट ये किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके अलावा हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ जाएंगे, इसके अंदर बजट और फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम आगे भी डिस्कस करेंगे और इस पर काफ़ी डिमांड है कि फाइनेंशियल और बजट पे मुझे कुछ बनाना चाहिए, तो वो करेंगे, हम देखेंगे। और तो यहाँ कुछ टॉपिक है, जैसे बजट है, बजट के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानना चाहिए, समझना चाहिए। आप चाहें तो किसी से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अगर बजट से रिलेटेड कोई मैनुअल मिल जाता है तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं, उसमें काफ़ी विस्तृत रूप से दिया गया। पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे सबसे हॉट टॉपिक है OPS और NPS। NPS से सवाल अक्सर आ रहे हैं तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। लीव नॉट ड्यू यानी कि लीव से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से यहाँ तक हैं आपके, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इनको कवर करना चाहिए, ठीक है। CCL वगैरह भी है जिसे कवर करेंगे। लीव इनकेसमेंट से सवाल पूछे जाते हैं और ये काफ़ी डीप क्वेश्चन होते हैं, अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है। अभी किसी ने दिया था मुझे कि भाई लीव इनकेसमेंट लेने के बाद या लेने से पहले कम से कम कितने होने चाहिए, तो कम से कम 40 होने चाहिए और ले लेने के बाद कम से कम 30 अकाउंट में होना चाहिए, यानी 10 दिन लेने के बाद, ठीक है। तो ये सब है। सुपरियरी पोस्ट और सरप्लस पोस्ट के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, मेडिकली रिटायर्ड स्टाफ के बारे में पता होना चाहिए। ये कैंटीन्स हैं, स्टेट्यूटरी कैंटीन्स और नॉन स्टेट्यूटरी कैंटीन्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। होलीडे होम्स के बारे में पता होना चाहिए कि
कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो स्टाफ हैं, उनके क्रेडिट सोसाइटीज हैं, उनके उनके पास वगैरह के बारे में, उनके जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। पेंशन अदालत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो दिसंबर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। न्यू पेंशन स्कीम जो है, इसके जो जो पैरामीटर्स हैं, जैसे नॉमिनी चेंज करने के हों या फिर कितना हम निकाल सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, APR से रिलेटेड सवाल अभी आ रहे हैं, एस्पेरो जिसका एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, कैट से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर एंड रिटेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको देख सकते हैं। स्टाफ बेनिफिट फंड से रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं हर एग्जाम में, कम से कम वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्जाम में तो आते ही हैं। कैजुअल लेबर और सब्स्टिट्यूट लेबर के बारे में बात किया जाता है, जो CCL में बोल रहा था चाइल्ड केयर लीव, वहाँ पे यहाँ पे आ गया है। ठीक है, CTG होता है, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, तो ये इससे अक्सर सवाल आते हैं। पास PTO का जितने टॉपिक हैं एक वीडियो के अंदर कवर करने का प्रयास किया गया था, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रेलवे पास जो है, स्कूल पास, ब्रॉन्ज पास, गोल्ड पास, सिल्वर पास, जो अभी डिस्कस कर रहा था उसके बारे में देख सकते हैं। ट्रेड यूनियंस से रिलेटेड सवाल अक्सर आते हैं WLI के एग्जामिनेशन में, उसको कवर कीजिए। WLI से रिलेटेड और भी ये टॉपिक हैं जो आपको आने चाहिए। देखिए, फैक्ट्री एक्ट, पेमेंट वेज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अप्रेंटिस एक्ट्स, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ टॉपिक जो हैं वो मास्टर्स रूलर से रिलेटेड हैं, जैसे कि ये है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन अंडर स्पोर्ट्स कोटा एंड कल्चरल कोटा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्काउट एंड गाइड भी इसके अंदर आता है। अपॉइंटमेंट ऑन कंपोजिशन ग्राउंड, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर आदमी को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब किसके साथ क्या दुर्घटना होगी तो कंपोजिशन ग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकें अगर करना चाहें तो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से सवाल आते ही हैं और इसके लिए काफ़ी डीप नॉलेज की ज़रूरत है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सही है। ये DAR जो है 96(38) काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, इसके जो पॉइंट्स हैं, चाहे आप कंडक्ट रूल का 3C ले लें, चाहे जो भी ले लें, इसके अंदर काफ़ी ये हैं। आप चलचल और बहुमूल संपत्ति से रिलेटेड जो रूल नंबर 18 हैं, या फिर विवाह के बारे में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं रूल नंबर 21, तो सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट फंड बेनिफिट्स को भी देख सकते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसके अंदर पेंशन वगैरह सबको कवर कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर टॉपिक को बांटा जाएगा और फिर कवर किया जाएगा। अलाउंस एंड ड्रेस जो है, अलाउंसेस जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल अक्सर आते हैं, इसको कवर करना ज़रूरी है। ड्रेस अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन पोस्ट है, सीनियोरिटी एंड प्रमोशन है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी ये आया है जिसका जिक्र मैं कर रहा था आगे, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 RB नंबर 144 बाई 2015, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया गया है। इसमें एक और है मास्टर सर्कुलर्स वगैरह पढ़ना, तो आप जितनी समय मिलता है मास्टर सर्कुलर दे सकते हैं, साइट पे भी उपलब्ध हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो हैं, जो हिंदी राजभाषा रिलेटेड है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरा एडवाइस ये है कि अगर 10 नंबर आपको चाहिए तो आप इससे रिलेटेड 300-350 क्वेश्चन बनते हैं, उनको आप रट जाएं। और HRMS और ई ऑफिस से रिलेटेड सवाल अभी आना चालू हो गए हैं, तो कृपया उन पर फोकस। बोनस टिप्स ये हैं कि स्मार्ट अप्रोच अपनाना जरूरी है और टाइम मैनेजमेंट आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, क्योंकि हम रेलवे के ड्यूटी करते हुए इस पर पूरी तरह से फोकस कर नहीं सकते हैं, तो अपने टाइम मैनेजमेंट को करना ज़रूरी है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि यह जानना ज़रूरी है कि पूर्व में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका टेम्परामेंट कैसा है, तो ये एक जानना ज़रूरी है। लास्ट वन है कि किस किस टॉपिक को फोकस करना है, आप अपने कमजोरी और अपने मजबूत पक्ष को जानने और उस पर फोकस करें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बल्कि ऑप्शन जो होता है ना उनका कन्फ्यूजन वाला
फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ गए हैं रेलवे एग्जाम डॉट इन, जो ये चैनल है वो टेलीग्राम का चैनल है, और यहाँ पे बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं। जैसे पवन सिंह ने कहा है कि सर ग्रुप में ऐड कीजिए, तो आप खुद ही इसे ढूंढ कर और ऐड हो जाइए, क्योंकि एक एक को ऐड करना मुश्किल है। तो मैंने इसे ओपन करके रखा हुआ है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, राजेश राय हैं, ये पीडीएफ में चाहते हैं, और राजू मुरगन जो हैं वो भी कुछ कह रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा, प्लीज सेंड WLI क्वेश्चन पेपर। तो ये इस तरह के चीज़ें पॉसिबल नहीं है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। अब आपको इसका बेनिफिट कैसे उठाना है ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इस टॉपिक पे आएंगे तो यहाँ पे जहाँ मेरा हैंड दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करने पे प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल को खुलते ही आपको ये राइट साइड में ये खुल जाएगा, इसमें मीडिया एंड फाइल्स हैं। तो फाइल्स में जाएं और यहाँ जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं आप देखेंगे, जो पोस्ट किए गए हैं, कब क्या पोस्ट किया गया है, वो आपको दिख जाएगा। आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं, और जैसे ये पेपर है तो ये डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद री ओपन हो जाएगा। ये चलिए देखिए, अब सॉरी यहाँ पे तो ये पेपर ओपन हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह आप जांच कर सकते हैं। तो ये आप बेनिफिट उठा सकते हैं, यहाँ काफ़ी कुछ डाला हुआ है इस टॉपिक्स मतलब एग्जाम्स रिलेटेड, तो आप इनको देखिए। ये यूट्यूब चैनल सर्च किया है यहाँ पे, स्टडी विद प्रभात, ये ओपन होगा। और किसी एक टॉपिक को ओपन करेंगे, जैसे ये है, और ठीक है। इसमें उन्होंने ये और भी कहा फिर था कि यहाँ भाई अगर कोई पे सुधार करते ये हैं देखिए, या आप इनका आवाज़ वो हमारे साइलेंट करते हैं। ये यहाँ पे आने के बाद ये किसी पुराने ब्लॉग में ये आपको दिखेगा, और आप इनको ओपन करें। ये APU का क्वेश्चन पेपर है, जिसे आप यहाँ इस ब्लॉग पे क्लिक कर सकते हैं। आप चाहें तो होम पेज पे आ सकते हैं। देखिए होम पेज पे फिलहाल ये लास्ट पोस्ट जो है 8 जुलाई को किया गया था। आप यहाँ पे चाहें तो इनको भी क्लिक करके अपडेटेड वर्जन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहें तो किसी भी पेपर को क्लिक करके आप इनके टॉपिक को कर सकते हैं कवर। आप चाहें तो APU का क्वेश्चन ये कर सकते हैं, देखिए आपके लिए काफ़ी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 55 क्वेश्चन है। तो अलग अलग टॉपिक पे है, आप देखें वेलफेयर इंस्पेक्टर का आ जाएगा आपके स्क्रीन पे, ये अवेलेबल है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। अब ऐसा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो कई बार आपको काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो प्लेबैक स्पीड है उसको आप बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो केवल आंसर को देख सकते हैं बिना इसके, ये फटाफट चलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे टॉपिक आप देखेंगे तो जो 53 मिनट का है वो आपको हाफ हो जाएगा, और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, ये पूरा ये है, ठीक है। आप चाहें तो धीरे से इस जहाँ मैं ज़्यादा स्पीड में बात करता हूँ उसको भी आप स्लो कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है ये यूट्यूब का है। आप चाहें तो काफ़ी स्लो भी कर सकते हैं जहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो ये काफ़ी कुछ धीरे चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा एडवाइस है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो 1.25 है या फिर 1.5 पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और समझने का प्रयास किया हमारे साथ। तो इसमें कुछ कमियाँ रह गई होंगी, पर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक कंक्लूड वीडियो और इससे बेहतर वीडियो बना के आपको रूट दिया जाए, जिसपे आप प्रयास करें तो फर्स्ट टाइम में ही आपको सफलता मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो के लिए यहीं तक, धन्यवाद आपका।
और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराने का प्रयास किया जा रहा है, तो देखिए, टच में रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।